हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं धार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एटीपी, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। अब एटीपी का फुल फॉर्म का बात करते हैं तो इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। अब इफ्लुएंट वर्ड का हम मीनिंग देखते हैं तो गंदगी या गंदा पानी होता है, राइट। जनरली हम जानते हैं कि पावर प्लांट में बहुत सारे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है अलग अलग, उसमें पानी का कंजप्शन होता है, कुछ पानी बच जाता है, वो क्या हो जाता है, इफ्लुएंट हो जाता है, गंदगी से क्या हो जाता है, वो भर जाता है। उसको हम बाहर नदी नालों में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उसको उस पानी को हम डायरेक्ट नदी नाला में छोड़ दिए जो उस प्लांट से बचा हुआ पानी को, तो क्या हो जाएगा, पूरा नदी नाला में जो रहने वाले जीवित प्राणी है, जीव जंतु है, सब में क्या हो जाएगा, असर होगा। जैसे हम देखते हैं, जानते हैं कि अगर किसी भी केमिकल का ज़्यादा होना क्या होता है, जनजीवन, साधारण जनजीवन के लिए बहुत हानिकारक है। जनरली हमने देखा था कि अगर कैडमियम ज़्यादा होता है तो इटाइली रोग हो जाता है, मरकरी ज़्यादा होता है तो मिनीमांता रोग हो जाता है, आर्सेनिक ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, ब्लैक कुक रोग हो जाता है। अगर उसमें क्या हो जाता है, नाइट्रेट ज़्यादा हो जाता है, तो नाइट्रेट ज़्यादा होता है तो क्या रोग होता है, ब्लैक बेबी सिंड्रोम होता है। मतलब बच्चे के बॉडी में पूरा क्या हो जाता है, नीला नीला हो जाता है। ये नाइट्रेट कैसे फैलेगा इसके बारे में बताता हूँ। अगर हमारे पास क्या है, प्लांट है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, वाटर। अब वाटर यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन करते हैं। जनरली नाइट्रेशन होता है तो ये नाइट्रिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो ये वाटर कहाँ जाता है, इसमें पानी में आ जाता है। ये एच किस में आ जाता है, पानी में आ गया, तो ये हाइड्रोनियम आयन बना लिया, H3O बना लिया, याद रखिए H3O+, और जो NO3 है यही नाइट्रेट है। अगर इसी का मात्रा ज़्यादा बढ़ गया, जो वेस्ट पानी है उसमें बढ़ गया, तो इससे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, जिससे क्या होता है, बच्चे में पूरा क्या हो जाता है, उसका शरीर नीला हो जाता है, राइट। वैसे क्या हो जाता है, हमारे पास अगर हम क्या यूज करते हैं, मरकरी क्लोराइड यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है, मरकरी, अब यहाँ पे क्लोरीन तो यूज हो गया लेकिन मरकरी बच गया, अब वो भी ज़्यादा मात्रा में बच गया और वेस्ट पानी में है, तो उससे क्या हो जाएगा, मिनी मात्रा होगा। वैसे कैडमियम हम यूज करते हैं, कैडमियम में भी क्या हो जाता है, इटाइली रोग होता है। तो ये बहुत सारे रोग होने का क्या है, चांसेस है। इसीलिए सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी पावर प्लांट वाले हैं वो अपने प्लांट के अंदर ही एक ETP प्लांट प्रोसेस अपना रखें, या तो फिर हम खुद गवर्नमेंट की तरफ से करेंगे करके क्या करता है, वो ETP प्लांट का सजेशन किया है। तो हर पावर प्लांट ने क्या किया है, अपने प्लांट के अंदर एक छोटा सा जगह में ETP प्लांट को क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, पानी को हम रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल बोले तो हम इसको प्योरिफिकेशन करते हैं कि हम नदी नाला में छोड़ने के लायक बन जाए, राइट। या फिर हम उसको पानी के आजकल देख रहे हैं बहुत किल्लत हो रहा है, तो जनरली बाहर नहीं छोड़ा जाता है कि उसको रीयूज में रख लेते हैं, कि हम बाहर नहीं छोड़ेंगे, हम उसका रीयूज कर सकते हैं करके क्या करते हैं, ETP प्लांट को पूरा चलाते हैं। जनरली ETP प्लांट में अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 टैंक लगा रहता है, है ना। ये हो सकता है कि कुछ आर्टिफिशियल रहता है, कुछ जमीन से अंदर में रहता है, तो इस प्रकार से कुछ छोटे बड़े मिला के 10 से 12 टैंक रहता है। ये सब टैंक का अपना अलग अलग काम होता है, याद रखिएगा। ये सब टैंक को मैं अभी समझाऊंगा, तो इसमें मैं सबसे पहले टैंक का नाम बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, विजुअलाइजेशन रहेगा, फिर मैं इसको एक एक करके आपको समझाते जाऊँगा। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, प्लांट बहुत सारा, जैसे 2 एकड़ का प्लांट फैला हुआ है, तो 2 एकड़ का प्लांट को तो मैं एक जगह हर जगह जा जाके मैं नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा पाइपलाइन बिछाते हैं। पाइपलाइन आता है और जो वेस्ट पानी का पाइपलाइन रहता है वो हम एक जगह ला देते हैं, मतलब सब जगह का वेस्ट पानी एक जगह आएगा, है ना। अब जैसे वेस्ट पानी आया उसके जस्ट बाजू में हम पहला स्कैनर लगाते हैं। स्कैनर 5 हमारा रहता है 50 mm, इससे क्या होता है 100 mm। अब स्कैनर का जैसे हम देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जाली, ठीक है। अब ये हो गया, इसका मतलब मैं थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैं क्विक बता देता हूँ। फिर दूसरा हम लगाते हैं ग्रिड लगाते हैं, तीसरा हम लगाते हैं ऑयल वाला, ऑयल टैंक रहता है, राइट। चौथा हम लगाते हैं इक्विलाइजर, फिर हम पांचवा लगाते हैं न्यूट्रिलाइजर, फिर छठवा लगाते हैं कागुलेशन, फिर क्या लगाते हैं, कागुलेशन के बाद होता है हमारा फाकुलेशन, फाकुलेशन के बाद हमारा आता है प्राइमरी सेडिमेंट्री रहता है, फिर एनएरोबिक रहता है, फिर सेकेंडरी रहता है, फिर क्लोरिनेशन रहता है, राइट। उसके बाद हमारा क्या रहता है, डीएम प्लांट रहता है। इतना सब प्रोसेस होता है, इतना प्रोसीजर जब हो जाता है तब वो पानी जाके क्या होता है, प्यूरीफाई होता है, याद रखिएगा। इतना जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक आपका पानी क्या रहेगा, ये रहेगा पॉल्यूटेड, राइट। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देख जनरली जान रहे हैं कि हमारा प्लांट मान लो 2000 एकड़ में फैला है या 100 एकड़ में भी फैला है, तो क्या बहुत लंबा है, राइट। तो उसका क्या करते हैं, एक जगह पाइपलाइन बिछाते हैं, पाइपलाइन बिछा के क्या करते हैं, हर जगह का वेस्ट वाटर किसमें आता है, एक जगह आता है, एक जगह आने के बाद हम पाइप में क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये पूरा प्लांट का
एग्जिट पॉइंट है, किसका एग्जिट पॉइंट है, तो बोले तो पूरा जितना भी गंदगी है, पानी है, उसका एग्जिट पॉइंट यहाँ है। अब जस्ट बाजू में हम क्या लगाते हैं, स्कैनर। स्कैनर बोले तो जाली होता है, बहुत इजी भाषा में बताए तो जाली। जैसे आप जनरली देखते हैं कि आप चलते फिरते कोई भी पुलिया पड़ता है उसमें जाली लगा दी रहते हैं, जाली अलग अलग पर्पज से लगाते हैं। जैसे जाली लगाए हैं डैम है, तो डैम में देखते हैं तो मछली इस पार से उस पार न जा करके जाली लगा देते हैं। और कई जगह देखे हैं कि गंदगी जैसे नहीं रहता है, बॉटल रहता है, प्लास्टिक रहता है, ईंट रहता है, पत्थर रहता है, तो इसी पार रहे इस पार ना जाए करके हम क्या लगाते हैं, ये जाली लगाते हैं। तो इसमें जाली का साइज भी अपना अलग अलग रहता है, कई जगह 50 mm का रहता है, कई जगह 100 mm का रहता है। तो अपने आवश्यकता के अनुसार आपको लगाना है। मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 mm से 100 mm के बीच में, तो जितना भी 50 mm से 100 mm से बड़ा जितना भी रहेगा, आप जान रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, प्लांट में बहुत सारे कुछ ऐसे वेस्ट पटे मार्टिकल है, उसको हम क्या कर देते हैं, पानी में फेंक देते हैं। पॉलीथीन खाया पिया वहाँ फेंक दिया, और कोई भी लकड़ी का कोई भी किंग रहा वो फेंक देते हैं। लेकिन पानी का भाव इतना ज़्यादा रहता है कि वो बहा के ले आता है, और तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा इस जो जाली से बड़ा साइज रहता है वो बाहर रुक जाता है, और बाकी जो छोटा साइज रहता है वो अंदर चला जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो स्कैनर में हम देख रहे हैं वो स्कैनर में 50 mm से लेकर 100 mm के बीच में जितना भी बड़ा पार्टिकल है, पॉलीथीन हो गया, केमिकल हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी रहे, वो क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। उसको हम क्या करते हैं, या तो मशीन के माध्यम से या तो मजदूरों के माध्यम से इसको अलग कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम देखते हैं इसको ग्रिड करते हैं, ग्रिड में भेज देते हैं। अब ग्रिड टैंक में भेज दिए, अब ग्रिड टैंक में क्या होता है, नीचे में रोटेशन होते रहता है ऐसा, ठीक है, रोटेशन होते रहता है। तो ये ग्रिड टैंक करता क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि छोटा सा अगर पत्थर हो गया वो क्या होता है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाकर बैठेगा, राइट। लकड़ी हो गया वो नीचे जाकर बैठेगा। तो ऐसा इस प्रकार से जो बड़े पार्टिकल है जो इससे छनने के बाद बच गया वो यहाँ पे क्या होता है, छन जाता है, मतलब नीचे बैठ गया। नीचे बैठा तो वो पूरा क्या कर रहा है, वो नीचे सरफेस को पूरा ऐसा रोटेट कर रहा है। अब रोटेट करके वो क्या कर रहा है, टोटी, एक टोटी लगा रहा है, तो उसके माध्यम से वो फेंकते जा रहा है। जो बड़ा रहेगा वो पार्टिकल फेंका जाएगा, ऐसा छान रहा है, चल रहा है, उसका चक्कर लगातार चल रहा है। जो बड़ा पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा, एक आउटलेट रहता है, वहाँ पे आउटलेट में क्या जाता है, फेंका जाता है, राइट। अब यहाँ पे पूरा क्या हो गया, हमारा जो बड़ा बड़ा पार्टिकल था इससे सच के इसमें गया, इससे भी बाहर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आयल एंड ग्रीस टैंक में भेजते हैं। ये हमारा तीसरा टैंक रहता है, ऑयल एंड ग्रीस का टैंक क्या रहता है, तीसरा टैंक रहता है। अब जनरली आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा रहता है कंपेयर किसके, ऑयल एंड ग्रीस के, राइट। तो ऑयल एंड ग्रीस क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। हम जानते हैं कि ऑयल का डेंसिटी कितना रहता है, 0.89 से लेकर 90 तक रहता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहता है, जबकि वही वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम रहता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। मतलब आप देख रहे हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 है, जबकि ऑयल का कितना है, 0.89 से लेकर 90 तक के है। तो क्या होता है, वाटर नीचे बैठ जाता है, ऑयल ऊपर रहता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मशीन के द्वारा ट्रैप करते हैं। जरूरी आप देखें कि ऐसा गांव में कुछ धोते हैं तो ऊपर में ऊपर ऊपर को अलग कर लेते हैं, जो हमारा मटेरियल रहता है वो नीचे रहता है, लेकिन ऑयली प्रोडक्ट क्या रहता है, ऊपर रहता है। उसको हम अलग से ऐसा हाथ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अमाउंट यहाँ पर जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन रहता है, एक ऐसा लंबा सा लकड़ी टाइप रहता है, वो क्या करता है, ऊपर ऊपर जाके पूरा क्या करता है, ऑयल के पूरा ट्रैप कर देता है, मतलब उसको फेंक देता है बाहर से। अब वो क्या हो गया, जो ये पानी है वो क्या हो गया, हमारे पास ऑयल फ्री हो गया, राइट। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसमें बड़ा पत्थर फेंक दिया, छोटा पत्थर, फिर इस पे हम तीसरा टैंक में ऑयल को फेंक लिए, ऑयल को ट्रैप कर लिए, राइट। ट्रैप कैसे किए हैं, तो हम मशीन से ट्रैप कर लिए ऐसे बाहर निकाल के, राइट, ठीक है। अब जब ये हो गया तो फिर इक्विलाइजर में भेजते हैं, इक्विलाइजर टैंक में भेजते हैं। इक्विलाइजर टैंक का मतलब क्या है, इक्विलाइजर में जनरली हम देखे हैं कि क्या होता है, हम प्लांट देखे हैं, पूरा प्लांट क्या है, ब्रॉड है, पूरा फैला हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि इस छोर का प्लांट में हम देखे हैं, मान लो टेम्परेचर हम 80 सेंटीग्रेड लिए हैं, इस तरफ का प्लांट में हम मान लो लिए हैं 40 सेंटीग्रेड लिए हैं, इसका पीएच हम 10 लिए हैं, इसका पीएच 2 लिए हैं, इसका बीओडी अलग है, इसका बीओडी अलग है, तो अलग अलग जगह का सीओडी बीओडी पीएच टेम्परेचर अलग अलग है। अब लेकिन हम तो यहाँ पे एक जगह ला रहे हैं, राइट, एक जगह लाए हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल करते हैं, इस टैंक में लाते हैं, तो सब जगह का क्या है पानी, जैसे मान लो इस कोने का टेम्परेचर अलग है, इस कोने का टेम्परेचर अलग है, इसका पीएच अलग है, इसका बीओडी अलग है, इसका सीओडी अलग है, तो हम इसको पूरा एयर बिछा देते हैं, एयर पाइप बिछा देते हैं। नीचे में हम क्या बिछा देते हैं, एयर पाइप। इस प्रकार से क्या रहता है, इस टैंक में हम एयर बिछा देते हैं ऐसा चारों तरफ। अब जनरली आप एयर कैसे काम करता है, जनरली आप होटलों में गए होंगे अभी गर्मी सीजन में, तो ऊपर में एक एयर करके पाइपलाइन बिछा
रहता है, वो नीचे नीचे फवारा देते रहता है, ताकि क्या होता है पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, राइट। पूरा जहाँ पे आप खुले कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो आजकल ये जनरली बहुत चल रहा है, गर्मी सीजन में फवारा टाइप ऐसा चलते रहता है हर कोने में, वैसे हम यहाँ पे इक्वलाइजर टैंक में लगाए हैं। इक्वलाइजर टैंक में जब एयर जाता है, एयर पूरा एयर जाता है तो क्या करता है, पूरा तो रोटेशन करता है। जब पानी रोटेशन होता है तो इस कोने का पानी इस कोने का दोनों आपस में मिलता है, तो मान लो यहाँ इस कोने का पानी 60 डिग्री सेल्सियस है, इस कोने का पानी का कितना है 55 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, मर्ज होता है, एवरेज होता है। मान लो 50 और 60 55 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब यहाँ का पीएच हो गया 10, यहाँ का पीएच हो गया 5, तो दोनों का पीएच हम अगर काउंट करते हैं तो 7.5 हो गया। ऐसा मतलब एवरेज करते हैं, एवरेज हर जगह का पानी को हम इस टैंक में हम एयर छोड़ के हम क्या करते हैं, एवरेज करते हैं टेम्परेचर से लेकर बीओडी सीओडी पीएच जितना भी है हम क्या करते हैं इसको इक्वल करते हैं। इक्वलाइजर नाम ही है तो मतलब इक्वल करना है, हो गया। तो फिर हम न्यूट्रलाइजर में भेजते हैं, ये हमारा छठवां टैंक है। न्यूट्रलाइजर मतलब होता क्या है, इसमें हम पीएच मेनली चेक करते हैं। न्यूट्रलाइजर टैंक में हम क्या करते हैं, मेनली पीएच चेक करते हैं। इसमें हमको पीएच कितना रखना है तो 7 to 7.5 रखते हैं, याद रखिएगा। अगर हम देख रहे हैं 7 to 7.5 से ज़्यादा हो रहा है, 10 हो गया मान लो, अब क्या करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम एसिड डालते हैं। जब एसिड डालेंगे तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। एसिड का क्या होता है, एसिड मतलब क्या होता है, जिसका पीएच 7 से कम हो। अब भाई हमारे पास अभी बेसिक नेचर ज़्यादा है इस पानी का, तो हम क्या कर देते हैं, एसिड डालते हैं, पीएच कम आ जाता है। अगर मान लो 2-3 एसिड हो गया, 2-3 में एसिड है, तो हम क्या करते हैं, बढ़ाना है हमको 7 to 7.5 करना है, तो हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं। बेस में हम एलम डाल दिए या और आपके पास जो भी सॉल्यूशन है, जो भी है आप डाल दिए बेसिक में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पीएच बढ़ जाएगा 7 to 7.5 हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजर हो गया, राइट। न्यूट्रलाइजर जब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, कागुलेशन में भेजते हैं। कागुलेशन का मतलब होता है जमावट। कागुलेशन का मतलब क्या होता है, जमावट होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सातवां टैंक हो जाएगा। कागुलेशन में होता है क्या, जनरली हम जानते हैं कि पानी में बहुत सारे अशुद्धियां हैं, अभी जान रहे हैं। जब अशुद्धियां हैं मतलब उसमें निगेटिव चार्ज है, निगेटिव क्या होगा, रिपल करेगा। मान लो हम यहाँ पे लड़के लड़के हैं तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे। वहीं पे क्या रहेगा, अपोजिट जेंडर रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, राइट। मतलब यहाँ पे पूरा निगेटिव चार्ज है तो वो पूरा पानी में फैला हुआ है। अब मैं उसमें कागुलेशन करवा रहा हूँ, कागुलेशन में मेरे को यूज क्या करना है, पीएसी पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड, पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड डालते हैं। वो उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। मतलब वो जितना भी देखेगा आसपास का निगेटिव को पूरा अपने वो अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन क्या होता है, पूरा तो हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी इस छोर में है, इस छोर में है, जो जहाँ पे गिरा वहाँ के एटमॉस्फेयर को पूरा क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा पूरा जितना निगेटिव है। लेकिन इस छोर में, उस छोर में, इस छोर में, इस छोर में है, उतना उसके पास ताकत नहीं है कि पूरे छोर से जाके इकट्ठा कर ले। उसके लिए क्या करते हैं, हम फाकुलेशन करते हैं। फाकुलेशन में हम पंखा चला देते हैं, पंखा रहता है तो पूरा पानी रोटेशन होता है। जब पूरा पानी रोटेशन हो गया तो क्या होता है, वो जितना भी नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज के पास आता है तो क्या हो जाता है, एक थोड़ा सा कत्था टाइप बना देता है। तो जब उसका पूरा एक बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो नीचे बढ़ जाता है। नीचे बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पंखा के माध्यम से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं टोटी से, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक में भेजते हैं। प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक में क्या कर देते हैं, इसको भेजते हैं। वहाँ पे क्या रहता है, प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक एक कुआं जैसा रहता है, कुआं जितना गहरा नहीं होता, उथला रहता है, लेकिन कुआं जैसे रहता है, याद रखिएगा, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, 24 घंटा के लिए रखते हैं। पानी तो क्या रहता है, आप जनरली देखे हैं पानी को, आप ले आइए तालाब का पानी को ले आइए, 24 घंटा रख दीजिए एक कांच के बर्तन में। आप 24 घंटा बाद फोटो खींचिए, और 24 घंटा पहले लाने के बाद तुरंत फोटो खींचिए, अब 24 घंटा बाद खींचिए, जितना भी पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा, नीचे बढ़ जाएगा। अब 24 घंटे बाद उसी पानी को आप देखिएगा, डिफरेंस आपको पता चलेगा कि पानी कैसे था। तो उस प्रकार से हमको पानी के यहाँ जितना भी गंदगी है वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया। जब नीचे बैठ गया तो ये पानी को हम क्या करते हैं, सेकेंडरी भेजते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक में। वहाँ हम इसका बायोलॉजिकल हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन करवाएंगे, मतलब बैक्टीरिया यूज करवाएंगे। लेकिन बैक्टीरिया को यूज करने के लिए हमारे पास दो हमारे पास साधन है, एरोबिक, दूसरा एनएरोबिक। एरोबिक में हम देखते हैं, एरोबिक मतलब एयर के प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया रहेगा उसको हम एयर देंगे, एयर देके हम केमिकल्स वगैरह को हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। अब इसमें बायोलॉजिकल में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वही हमारे पास क्या रहेगा, हो सकता है क्या रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा, एल्कोहल रहेगा, फैट रहेगा, ऑयल रहेगा, ग्रीस रहेगा, कुछ ना कुछ तो होगा,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में हो सकता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, राइट, एल्कोहल हो, और हमारे पास क्या हो सकता है, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे केमिकल हो। लेकिन उसको हम कैसे तोड़ेंगे, उसको हम डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया के माध्यम से, उसमें बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया को हम बढ़ाने के लिए हम एयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम बताए हैं दो चीज से हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, एरोबिक नॉन एरोबिक, एरोबिक में हम एयर देते हैं, नॉन एरोबिक में हम विदाउट एयर करते हैं। लेकिन हम यहाँ का हम देख रहे हैं एरोबिक में हम करेंगे, एयर देंगे, एयर से हम डिकम्पोज करवाएंगे, तो मतलब हम यहाँ पे एयर दे रहे हैं, याद रखिएगा हम एयर दे रहे हैं यहाँ पे, तो बैक्टीरिया जो डाली है वो क्या हो रहा है, एयर दे रहे हैं तो बढ़ते जा रहा है, एयर के माध्यम से क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, अब उसका साइज बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, पूरा जितना भी केमिकल है उसको डिकम्पोज कर रहा है। जब डिकम्पोज कर रहा है तो डिकम्पोज के बाद हम क्या करते हैं, इस पानी को हम क्लोरिनेशन टैंक में भेज देते हैं। लेकिन कुछ पानी को हम क्या करते हैं, इसमें फिर से रोटेट करते हैं, अब जब पूरा पानी फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया कम हो जाएगा, लेकिन हमको तो पूरा वहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल करना है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन को हम सेकेंडरी सेडिमेंट्री टैंक में फिर से रिटर्न ले जाते हैं, और कुछ पानी को हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन में भेजते हैं। अब ऐसे करके क्या होता है, एक समय आता है क्लोरिनेशन टैंक में पूरा पानी चल जाता है। जब क्लोरिनेशन पूरा हो गया पानी का, तो आप क्या कर सकते हो, नदी नाला तालाब में आप पानी छोड़ने के लिए एलिजिबल हो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। जब क्लोरिनेशन हो गया तो आप क्या कर सकते हो, नदी नाला में आप छोड़ सकती हो। अगर आपको प्लांट में दोबारा यूज करना है तो आप क्या करोगे, डीएम प्लांट में छोड़ोगे, डीएम प्लांट में वहाँ इनायन के टायन और अलग अलग प्रोसेस में वहाँ होता है, तो वहाँ आप जाओगे, वहाँ आप इसको छोड़ोगे, तो वहाँ पे पूरा प्यूरीफाई हो जाएगा। इसके बाद अलग अलग पैरामीटर का पहले लेब टेस्टिंग होगा, लेब टेस्टिंग में होगा बीओडी सीओडी और अलग अलग प्रकार का। अच्छा, ये सेडिमेंट्री सेकेंड में आप इनलेट बीओडी देखते हैं तो अलग रहता है, आउटलेट बीओडी बहुत कम हो जाता है। जब हम सेकेंड सेडिमेंट्री टैंक में भेजे हैं तो उस टाइम बीओडी बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब आउटलेट क्लोरिनेशन टैंक में जाते जाते उसका बीओडी बहुत कम हो गया, राइट, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन हो गया फिर नदी नाला में छोड़ सकते हैं, चाहे तो अगर पानी कम है तो आप डीएम प्लांट में भेजिए, वहाँ डीएम प्लांट में पूरा एनालिसिस करिए पूरा पैरामीटर का, उसमें आप देखिएगा हार्डनेस टीडीएस बीडीएस और पीएच सब चेक करने के बाद आप उसको फिर से प्लांट में रीयूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईटीपी प्लांट क्या करता है, वर्क करता है, राइट। ये लंबा प्रोसीजर है बट बहुत ईजी है, एक बार आप समझिएगा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। मैं एक बार फिर से क्विक रीजन करा लेता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। अब जर्नली जानते हैं कि क्या होता है, प्लांट होता है, प्लांट बहुत लार्ज में फैला रहता है, सब जगह अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, राइट, रॉ मटेरियल बनता है, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग हम पानी का कंजप्शन करते हैं, लेकिन 100% पानी का कंजप्शन हो नहीं पाता है, कुछ बच जाता है, उसको हम क्या करते हैं, पूरा पानी को हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन में, पूरा प्लांट का पाइप को उसमें हम क्या करते हैं, एक नाला या तो पाइपलाइन कुछ भी आपके पास हो उस माध्यम से हम क्या करते हैं, एक जगह लाते हैं ईटीपी प्लांट के पास, फिर हम उसमें स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर मतलब जाली लगाते हैं, जाली रहता है अलग अलग साइज का 50 mm 100 mm का, उस जाली से हम पार करते हैं, पानी को पार कराते हैं, तो जो बड़ा हमारे पास फिजिकल जो दिखता है आंखों में हमारा, पॉलीथीन हो गया, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, जो हमारे पास केमिकल हो गया, वो क्या होता है, छन जाता है, राइट, वो छन जाता है। अब जनरली आप जानते हो कि अगर पानी में केमिकल्स मेटल्स ज़्यादा हो गया तो अलग अलग प्रकार का रोग होता है, जैसे कि मरकरी ज़्यादा हो गया तो मिनी माता रोग होगा, याद रखिएगा, कैडमियम ज़्यादा होगा तो इटाइली रोग होगा, अगर आर्सेनिक ज़्यादा होगा तो ब्लू ब्लैक कुक रोग होगा, इसको आपको याद रखना है। अगर नाइट्रेट ज़्यादा हो गया तो नाइट्रेट ज़्यादा होगा तो उसमें ब्लैक बेबी सिंड्रोम होगा, राइट। अब ये रोग अलग अलग होता कैसे है, आप जानिएगा, अगर मर्करी क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, केवल मर्करी वहाँ पे बच गया पानी वेस्ट वाणी में, तो वो क्या हो जाएगा, रोग का कारक हो जाएगा। वैसे हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें नाइट्रेट बच गया, वो हमारा एक कारण हो जाएगा। कैडमियम, आर्सेनिक, सब ऐसे अलग बहुत सारे हमारे पास केमिकल रहते हैं जिसका हम यूज अगर हुआ तो ठीक है, नहीं ज़्यादा हो पाया और वेस्ट पानी में ज़्यादा चला गया तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, उसको हम ऐसा नदी नाला में नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसका हमको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर हो गया, फिर उसको ग्रिड में भेजते हैं, ग्रिड में जो पत्थर रहता है, यहाँ से बचा हुआ जो पत्थर रहता है उसमें ग्रिड में छड़ जाता है, उसमें एक लगातार चलते रहता है, वो नीचे को पूरा क्या करता है, वाश करते हैं, झाड़ू लगा रहा है, समझो झाड़ू से बचा, उसको क्या करता है, वो एक आउटलेट के द्वारा क्या करता है, बाहर भेजता है, एक झाड़ू लग रहा है, झाड़ू नीचे में क्या हो रहा है, वो झाड़ू लगा रहा है, तो वो जो बड़ा बड़ा पत्थर है, ईंट है, कुछ भी है, इस साइज से बचा हुआ वो क्या करता है, बाहर फेंक देता है, राइट। अब उसके बाद हम ऑयल में जाते हैं, ऑयल ट्रिप करते हैं, तो ऑयल क्या रहता है, ऊपर डेंसिटी कम होने के कारण क्या होता है, ऊपर चला जाता है, वाटर का डेंसिटी 1, ऑयल का डेंसिटी 0.1
एट नाइन ऊपर तैरते रहता है, ऊपर तैरता है, उसको हम क्या करते हैं, अगर मैं हाथ से निकालू तो इस प्रकार से करूंगा, ऊपर हाथ चलाऊंगा तो वो आइल ट्रैप हो जाएगा, लेकिन हमारा अमाउंट क्या है, लार्ज अमाउंट है, तो हमको क्या करना होता है, मशीन से हम अलग से ऊपर से निकालते हैं, ट्रैप करते हैं, राइट। जब ये ट्रैप हो गया उसके बाद हम इक्विलाइजर में लाते हैं, इक्विलाइजर देख रहे हैं अलग अलग जगह से प्लांट से आया है, टेम्परेचर यहाँ का अलग, यहाँ का अलग, वहाँ का अलग, यहाँ का अलग, सब जगह का टेम्परेचर मान लो अलग है, पीएच अलग है, बीओडी अलग है, उसमें हम अगर एयर पाइप बिछा देते हैं, एयर पाइप इस प्रकार से, तो एयर पाइप हम नीचे में डालते हैं तो पूरा क्या हो जाता है, वो एयर बबल के रूप में आता है, तो एक जगह पूरा क्या हो जाता है, वो आपस में एक जगह का अड़ोसी पड़ोसी दोनों जगह का क्या हो जाता है, टेम्परेचर वो एवरेज करता है, मान लो यहाँ का 60 यहाँ का 50 दोनों का लेता है तो क्या हो जाता है, 55 हो जाता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर अलग हो जाता है दोनों का, बीओडी थोड़ा सा एवरेज हो जाता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजर टैंक में भेजते हैं, न्यूट्रलाइजर टैंक में क्या होता है, पीएच को हमको क्या करना है, मेंटेन करना है, मान लो हमको 7 से 7.5 मेंटेन करना है, अगर पीएच हम चेक करते हैं वो 10 चला गया तो आपको क्या करना है, एसिड डालना है, पीएच अगर 2-3 है तो आपको बेस डालना है, राइट। अब बेस हो गया मतलब न्यूट्रलाइजर टैंक हमारा काम हो गया, फिर उसको हम कैलकुलेशन में डालते हैं, राइट। कैलकुलेशन में हम डालते हैं तो कैलकुलेशन में क्या होता है, उसमें जनरली बहुत सारे क्या होता है, हम देखते हैं पानी में पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो पूरा फैला रहता है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव क्या होगा, आपस में रिपल करेगा, रिपल करेगा तो पूरा फैला रहेगा, जब तक वो उसको हम इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक वो क्या हो जाएगा, वो शुद्ध नहीं होगा, इसलिए हम पीसीए डालते हैं, हम पीएसी डालते हैं, पॉली एमोनियम क्लोराइड जब डालते हैं वो उसका नेचर क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, जितना भी आसपास पड़ोस का रहता है उसको हम क्या कर देता है, वो ट्रैप करता है, लेकिन पूरा किनारे किनारे हर कोने में तो जा नहीं सकता, इसलिए हम क्या करते हैं उसमें फाकुलेशन करते हैं, पंखा चलवा लेते हैं, जब पंखा चलता है तो पूरा पानी क्या होता है, रोटेट होता है, जब रोटेशन होता है तो पूरा इधर उधर जो छिपा रहता है हमारा निगेटिव चार्ज वो क्या करता रहता है, और वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अच्छा मर्ज हो जाता है, और थोड़ा सा क्या होता है, वजन हो जाता है तो नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठता है तो फिर क्या होता है, उसको हम ग्रीड करके नीचे से हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसको हम प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक में भेजते हैं, 24 घंटा के लिए रखते हैं तो पूरा नीचे बैठ जाता है, फिर इसको हम सेकेंडरी टैंक में भेजते हैं, वहाँ बायोलॉजिकल एनालिसिस करवाते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में दो चीज़ होता है, एक एरोबिक होता है, दूसरा नॉन एरोबिक होता है, एरोबिक में एयर के प्रेजेंस में, नॉन एरोबिक में विदाउट एयर प्रेजेंस में, हम क्या करते हैं डिकम्पोज करवाते हैं, किसका डिकम्पोज करवाते हैं, तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल हो गया, एस्टेल्डिहाइड हो गया, और हमारे पास फैट हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीथीन हो गया, बहुत प्रकार के हमारे पास जो भी रहे केमिकल उसको हम क्या करते हैं डिकम्पोज करवाते हैं एयर के प्रेजेंस में एरोबिक माध्यम से, राइट। जब हम क्या करते हैं उसमें एयर प्रोवाइड कराते जाते हैं तो बैक्टीरिया का क्या होता है संख्या बढ़ती जाता है, उसका साइज बढ़ती जाता है, तो वो क्या करता है डिकम्पोज करने लगता है, किसको डिकम्पोज करता है, फिर जो वाटर में प्रेजेंट जो केमिकल्स है उसको क्या करता है वो डिकम्पोज करता है। अब उसके बाद हम एक छोर को हम क्या करते हैं क्लोरिनेशन टैंक में भेजते हैं, दूसरे को हम फिर से रिपीट लाते हैं ताकि उस टैंक में क्या हो केमिकल में क्या ना हो बैक्टीरिया की कमी ना हो, बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए हम दूसरा टैंक उसमें जोड़ देते हैं। फिर क्लोरिनेशन टैंक एक समय आता है पूरा क्लोरिनेशन टैंक में चला जाता है, जब क्लोरिनेशन टैंक में चला गया उसके बाद हम क्या करते हैं इसको हम देखते चाहे तो नदी नाला में छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास पानी की कमी है तो आप डीएम प्लांट भेजिए, डीएम प्लांट में पूरा पैरामीटर चेक करिए, फिर इसको फिर से प्लांट में भेज दीजिए कि आप इस पानी को फिर से दोबारा यूज करिए, राइट। तो ये क्या होता है ईटीपी होता है, राइट। ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दिया, पूरा मास्टर प्लान बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये वीडियो पूरा अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। अगर आपको लगता है कि कोई अलग से पैरामीटर जिसमें हमको बनाना है या इसमें कोई छूटा हो या आपको किस क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम पूरा तुरंत बताएंगे आपको, राइट। तो आज बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।